तो मुझे सैयदा फातिमा की शादी की पहली रात भी याद आ गई। मेरी बहनें सुन ले, सैयदा फातिमा की शादी की पहली रात जो रिवायतों में आया उसको बयान कर रहा हूं। सैयदा फातिमा की शादी की पहली रात थी, जब मौलाए कायनात सामने आए तो सैयदा फातिमा मौला अली को देखकर रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। तो मौलाए कायनात ने पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है तो इस पे तुम खुश नहीं हो? सैयदा ने कहा, अली तुम सर से लेकर पैर तक मेरी खुशी हो, तुम मेरी मर्जी हो। अरे नबी के खानदान में तुम जैसा और कौन है? खानदान नबूवत में तुम जैसा, हुजूर की अहले बैत में तुम जैसा कौन है? तो तुम तो सर से पैर तक मेरी खुशी हो। कहा, फिर क्यों रो रही हो? कहा कि आज इज्जत के बिस्तर में दाखिल होना है तो मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि आज फातिमा शादी की पहली रात में इज्जत के बिस्तर पर लेटेगी, तो इज्जत के बिस्तर पर लेटने से पहले मुझे कब्र की बिस्तर पर लेटना याद आ रहा है। अली आज सुहाग रात में, पहली रात में, शादी की रात में मुझे कब्र की रात याद आ रही है। कौन कह रहा है? जिसके बाप की जन्नत है, जिसके वालिद जन्नत के मालिक है, जिसके वालिद मालिक है, वो कहती कि शादी की रात के बिस्तर पर लेटने से पहले मुझे कब्र की रात का बिस्तर याद आता है कि वो कब्र की रात पहली कैसी होगी। फिर कहती, अली अगर तुम इजाजत दो, मुझे कब्र याद आ गई है, आज मैं बिस्तर पे नहीं, आज की रात में मुसल्ले पे गुजारना चाहती हूँ ताकि अपने अल्लाह की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश करूं। मौलाए कायनात थे वो, फिर वो मौलाए कायनात थे, कहने लगे क्यों नहीं, हम बिल्कुल खुदा की इबादत करेंगे। तारीख की औराक गवाह है, आगे अली पाक का मुसल्ला था और पीछे सैयदा फातिमा का मुसल्ला था। शादी की पहली रात इस शान से गुजरी। किसकी? जिसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार, जिसके बाबा नबियों के सरदार, जिसके शौहर वलियों के सरदार, और सिर्फ सरदार नहीं बल्कि जिसको भी विलायत मिलती है वो अली के दर से मिलती है, अली के घर से मिलती। जब तक के गुलाम अली ना होगा उस वक्त तक कायनात का वली ना होगा। वली होने के लिए अली की गुलामी जरूरी है। सलामी जिसके दर का हर वली है, इमाम अहले सुन्नत का शेर है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, वो अली है। उनकी रात शादी की पहले इस तरह गुजर, और हमारी रात कोई रात ऐसी याद कर ले हम कि जिस रात में हमने गुनाह नहीं किया, कोई सुबह ऐसी याद कर ले जिस सुबह हमने गुनाह, हमारी तो सुबह में सबसे बड़ा पाप और गुनाह ये होता है कि हम फज्र की नमाज छोड़ करके बिस्तर से उठते हैं। पहला गुनाह जिसकी सुबह, अला सबाह, सुबह का आगाज इतने बदतरीन गुनाह से जिस कौम का हो कि वो फजर की नमाज बिस्तर में तर्क करके उठे। उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक क्या है? ये तो अल्लाह का करम है कि नमाज छोड़कर उठते हैं फिर भी आसमान से पत्थर नहीं बरसते, जलजले नहीं आते, तूफान में गर्क नहीं कर दिए जाते, बल्कि मुस्तफा प्यारे का चेहरा देखकर नमाज छोड़ के हम उठते हैं और कुदरत उठने से पहले दस्तर पर हमारे लिए रिस्क सजा देती है। ये सिर्फ नबी की गुलामी का सबका है, वरना हम जैसों को तो कब से मिटा दिया जाता, हम जैसों को तो कब से मिटा दिया जाता।